सिटी फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं बरवाला में। आज यहां से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पुनिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज हम उनसे इसी परिपेक्ष में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरवाला से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पुनिया। सर, आज आपने नामांकन किया है, तो इसको आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बाद? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज हमने नामांकन पत्र भरा है और आज से ही बरवाला शहर के हमारे सब कार्यकर्ता बरवाला के मेन बाज़ार में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया है और प्रतिदिन इस प्रकार प्रत्येक मतदाता तक हम सब कार्यकर्ता मिलकर के पहुंचेंगे और फिर एक बार मनोहर सरकार बनाने के लिए सभी हरियाणावासी, सभी बरवालावासी कृत संकल्प हैं और निश्चित रूप से 24 को बरवाला से कमल का फूल खिला करके हम चैन से बैठेंगे। सर, कल आपका नामांकन होना था लेकिन किसी वजह से स्थगित हो गया था, क्या था वो? एक हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्घटना हो गई थी जिस कारण से हमने वो कार्यक्रम स्थगित किया था। आज हमने बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन पत्र भर करके आज ये कार्यक्रम शुरू किए। बीजेपी के एक और कार्यकर्ता थे जोगी राम जी, वो JJP में गए हैं, तो उनसे क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, कमल का आशीर्वाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल के फूल को हमें दिया है और निश्चित रूप से बरवाड़ा की जनता का मन बरवाड़ा विधानसभा से कमल का फूल खिलाने का है और वो 24 को आपको खिलता हुआ नजर आएगा। आप अपनी टक्कर में किस कैंडिडेट को मानते हैं, यहाँ से कौन दे सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी का जो आज लोगों के दिल में सम्मान है, मुझे नहीं लगता है किसी के साथ टक्कर होगी। एक तरफा लहर है। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मिली थी, उसी प्रकार जैसे 75 पार का जब हम नारा लगाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप कम बोलते हो, 90 पार तो नहीं 85 पार जरूर बोलते हैं लोग। पिछली बार जनता ने आपको उतना समर्थन नहीं दिया था, इस बार कौन सी ऐसी योजनाएँ होंगी, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे शहर के जिनको आप उठा के लोगों को लुभाएंगे? देखिए, मुद्दे अनेक हैं। पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 बार बरवाड़ा विधानसभा में आए और उन्होंने काफ़ी पैसा बरवाड़ा के विकास के लिए दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ से हम अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाए थे जिसके कारण से कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको आने वाले समय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पुनिया जी। इन्होंने बताया कि आज इन्होंने नामांकन किया है और डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही ये जनसंपर्क करेंगे और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उन्हें रिझाएंगे। धन्यवाद।